असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार थी, हमने एनआरसी लाया। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जिसके द्वारा घुसपैठियों को चिन्हित किया जाता है। असम में एनआरसी लाए, प्रथम दृष्टिया 40 लाख घुसपैठियों को चिन्हित कर दिया गया। 40 लाख सिर्फ असम में, 3 करोड़ की आबादी में 40 लाख। और मित्रों, जैसे ही 40 लाख घुसपैठिए चिन्हित हुए, आप तो ताली बजा रहे हो, राहुल गांधी एंड कंपनी पूरी राज्यसभा लोकसभा में काऊ 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 हाय तोबा मचा दी। ये कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इनके ह्यूमन राइट का क्या? क्यों भाई, आपके मौसी के बच्चे लगते हैं क्या? आपको इनके ह्यूमन राइट की चिंता है? ये देश में घुसकर बम धमाके करते हैं और माता और बच्चों के फुड़चल्ले उड़ जाते हैं, इनके ह्यूमन राइट की चिंता नहीं है? ये रोजगारी लेकर मेरे युवा को बेरोजगार करते हैं, उनके ह्यूमन राइट की चिंता नहीं है? उनके पेट में जब अनाज जाता है, मेरा गरीब देश का गरीब भूखे मरता है, उनकी गरीबी की चिंता नहीं? आपके लिए वोट बैंक हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। ये राहुल गांधी एंड कंपनी को जितना आक्रंद करना है, जितना रोना है रोने दो। युवा मित्रों, मैं आपको आज वचन देने आया हूं। 18 में आप भाजपा की सरकार राजस्थान में बना दीजिए, 19 में मोदी सरकार बना दीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक एक एक घुसपैठियों को चून चून कर देश से बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने। और हम राजनीति के अंदर, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीति के अंदर हमारे खुद के सुख के उपभोग के लिए नहीं है, भारत माता की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्रायोरिटी है, इसमें कोई बदल नहीं है।